Hello students, today we will start the subject network theory. But before starting the subject, we should know why we study this subject. क्यों पढ़ना है हमें ये subject? ठीक है, अगर मैं examination point of view से देखूं, so gate examination, IAS exam, as well as any other PSU, हर एक exam में both electrical and electronics दोनों branches के लिए आपका ये subject बहुत ही ज़्यादा important है. 5 to 7% questions आप हमेशा expect कर सकते हो network theory subjects से इन तीनों के तीनों examinations में. ओके, पर अगर मैं subject wise देखूं तो इस subject का effect क्या है बाकी subjects में. अगर मैं बात करूं analog circuit, ओके, so analog circuit में चाहे branch electrical हो चाहे electronics हो, दोनों ही branchों में आप analog circuit study करते हो. analog circuit में अगर आपको FET के equation solve करने हैं, transistor के equation solve करने हैं, या अगर आपको डायोड के इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो आपको केवीएल केसीएल का नॉलेज होना चाहिए, आपको नेटवर्क थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए. सो अगर आप एनालॉग सर्किट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आपको नेटवर्क थ्योरी आनी चाहिए, और एनालॉग सर्किट भी मेजर पार्ट है इन तीनों एग्जामिनेशंस में. सो अगर आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ लेते हो तो एनालॉग सर्किट भी बहुत हद तक आपका कवर हो जाता है. ठीक है, बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं एनालॉग सर्किट के. अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की बात करूँ, सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में उन्हें करंट एंड वोल्टेज के इक्वेशन से डील करना होता है. सो अगेन, वो आप कहाँ स्टडी करते हो? वो आप स्टडी करते हो नेटवर्क थ्योरी में. ओके, सो नेटवर्क थ्योरी जो है आपका, वो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स है बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए जो आपके गेट, आईएएस एंड पीएसयू के एग्जामिनेशन में आते हैं. ओके, अगर मैं बात करूँ प्री रिक्विजिट क्या है सब्जेक्ट को पढ़ने की, सो जो आपकी प्री रिक्विजिट है सब्जेक्ट को पढ़ने की, स्टूडेंट को सिर्फ इतना आना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में होता क्या है. जब हम सर्किट के सर्किट को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे आपके टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल के इक्वेशन क्रिएट हो जाते हैं. सो आपको टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए स्पीड से, मींस बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए. बस उसके अलावा जो जितना टेक्निकल पार्ट है इस सब्जेक्ट में, वो हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियोज में क्लियर करेंगे. ओके, सो अगर मैं इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है. सो जो फर्स्ट टॉपिक हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो आपका टॉपिक है, वो दोनों ही गेट और ईएस एग्जामिनेशन में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ईसी. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, लाइक एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, लाइक लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हमें स्टडी करना है. ओके, हमें सारे के सारे एलिमेंट्स देखने हैं कि एक सर्किट को बनाने के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, लाइक वोल्टेज सोर्स, लाइक करंट सोर्स, लाइक रजिस्टर, लाइक इंडक्टर, लाइक कैपेसिटर. इन सब का हमें डिटेल एनालिसिस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में. तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, मैक्सिमम थ्योरिकल टॉपिक है. ओके, आप आईएएस में इस टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप पीएसयूस में इस टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट गेट में जनरली थ्योरिकल क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आप फिर भी 1 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो गेट में भी, लेकिन मेन फोकस आईएएस एंड पीएसयू में रहेगा. ओके, बट बेसिक क्लियर करने के लिए इस सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम हो, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट टॉपिक आपको आना ही चाहिए. ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, जो हम कवर करेंगे, वो है आपका नोडल, मैश, केवीएल, केसीएल, यू कैन से कंप्लीट आपके जो बेसिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक टूल्स हैं, जो बेसिक मेथड्स हैं, वो आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में. ओके, लाइक वोल्टेज डिवीजन रूल, लाइक करंट डिवीजन रूल एंड मैनी मोर्स. सो बहुत सारे टॉपिक्स आपको बेसिक बेसिक इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, सेकेंड चैप्टर में. ओके, इस चैप्टर में हम बेसिकली रजिस्टर पे फोकस रखेंगे, हमारा एलिमेंट जो रहेगा वो रजिस्टर रहेगा, हम रिएक्टिव एलिमेंट्स का यूज नहीं करेंगे. तो आप कह सकते हो कि इस सब्जेक्ट में आप बेसिकली डीसी एनालिसिस पे फोकस करोगे. ओके, डीसी एनालिसिस मींस आप रजिस्टर पे फोकस करोगे और आपकी जो सप्लाई रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, डीसी सप्लाई होगी. ओके, तो इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आप किसी भी बेसिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओगे. ठीक है, लाइक सिंपल आप किसी भी सर्किट में आप करंट कैलकुलेट कर सकोगे, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकोगे, तो इस टॉपिक के बाद आपका बेसिक जो है और इंप्रूव होगा. ओके,
जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है हमारे चैप्टर में वो है आपका एसी एनालिसिस, जो आपका थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड चैप्टर है आपका। एसी एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली एसी एनालिसिस में हम लोग को रिएक्टिव एलिमेंट को भी कंसिडर कर लेना है, लाइक इंडक्टर, लाइक कैपेसिटर। ओके, हमें सीखना है कि रिएक्टिव एलिमेंट अगर सर्किट में हो तो सर्किट किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, अगर रजिस्टर भी साथ में लगा हो तो सर्किट को किस तरह से सॉल्व करना है, फिर हम कैसे इन रिएक्टिव एलिमेंट के इंपेडेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमें ये सारी चीजें यहां पर देखनी है, ठीक है। तो रिएक्टिव एलिमेंट जब सर्किट में लगे होते हैं और जब सप्लाई आपका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है तो ये आपका एसी एनालिसिस के अंडर आता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है नेटवर्क थ्योरी में, जो नेक्स्ट चैप्टर हमें देखना है वो है आपका नेटवर्क थ्योरम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रियल लाइफ में भी, क्योंकि बिकॉज आप जब बेसिक सेकेंड और थर्ड चैप्टर में जो आप डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस पढ़ते हो और आप जो बेसिक सर्किट सॉल्व करते हो, जो बेसिक मेथड आप अप्लाई करते हो, नोडल, मैश, केवीएल, केसीएल, समटाइम्स उन मेथड का यूज करने से जो कैलकुलेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जो आपका नेटवर्क थ्योरम्स है उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं, कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। ओके, सो यहां बहुत सारे थ्योरम्स है, लाइक थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सब थ्योरम के अपने अपने इंपॉर्टेंस है सर्किट को रिड्यूस करने में, सर्किट का एनालिसिस करने में। तो हमें ये सारे थ्योरम वन बाय वन फॉर एसी सर्किट एज वेल एज फॉर डीसी सर्किट हमें एनालिसिस करने हैं। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम्स हैं आपके, ये आपके गेट एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आईएएस एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा या नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, दैट इज योर टू पोर्ट नेटवर्क्स। इन टू पोर्ट नेटवर्क हमें क्या पढ़ना है, टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है आपका कि आपके पास दो टर्मिनल अवेलेबल होते हैं जहां से आप सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो, जहां से आप वोल्टेज सोर्स करंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल टू पोर्ट नेटवर्क। सो देयर आर टू टर्मिनल्स, दिस इज योर टर्मिनल वन, दिस इज योर टर्मिनल टू। सो दोनों टर्मिनल से आप सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो, यही होता है आपका टू पोर्ट नेटवर्क। यहां पर भी हमें बेसिक केवीएल केसीएल का ही नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नोडल मैश का ही नॉलेज होना चाहिए, बस फर्क क्या होगा कि आप दोनों टर्मिनल से सप्लाई अप्लाई कर रहे हो और कोई भी फर्क नहीं होगा। यहां पर कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका टू पोर्ट नेटवर्क, जहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ने हैं, एच पैरामीटर, जेड पैरामीटर, टी पैरामीटर्स। और अगर मैं बात करूं एच पैरामीटर की, तो वो आपका बहुत ज्यादा यूजफुल भी होगा एनालॉग सर्किट में, जहां पर आप एम्पलीफायर के सर्किट सॉल्व करोगे बाय यूजिंग एच पैरामीटर, ओके, एम्पलीफायर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टू पोर्ट नेटवर्क भी, क्योंकि यहां पर आपके जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो आपके एनालॉग सर्किट में भी यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को फिल्टर्स। बेसिकली हम नेटवर्क थ्योरी में पैसिव फिल्टर पे ही फोकस करते हैं। सो हमें बहुत सारे पैसिव फिल्टर्स पढ़ने हैं, लाइक लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास, बैंड स्टॉप। हमें यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स देखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करके हमें यह एनालिसिस करना है कि यह सर्किट किस तरह से वर्क करेगा। क्या यह सर्किट बैंड पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा, क्या यह सर्किट आपका लो पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा। तो हमें ये सारी चीजों का एनालिसिस करना है फिल्टर टॉपिक में, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जो हमें स्टडी करना है वो चैप्टर है आपका ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट में हमें क्या एनालिसिस करना है, ट्रांजिएंट में हमें यह देखना है कि जब सर्किट में सडन चेंजेस हो तो सर्किट में किस तरह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। जब आप सडनली स्विच को ओपन करते हो या सडनली स्विच को आप क्लोज कर देते हो तो किस तरह से सर्किट अनस्टेबल हो जाता है और क्यों हो जाता है सर्किट, और क्या वो वापस स्टेबल होता है। तो ये सारी चीजें हमें ट्रांजिएंट में देखनी है। हमें ट्रांजिएंट में ये भी देखना है कि वाई डीसी ट्रांजिएंट इज मोर डेंजरस देन एसी ट्रांजिएंट, और हमें मेनली
जो फोकस करना है ट्रांजिएंट टॉपिक में वो डीसी ट्रांजिएंट पे ही करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एसी ट्रांजिएंट में फिर भी आपके लिए ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन पॉसिबल होती है, लेकिन डीसी ट्रांजिएंट में ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन आपके लिए कभी पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए हमें मेनली जो फोकस करना होता है वो डीसी ट्रांजिएंट में ही करना होता है। और डीसी ट्रांजिएंट के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, लाइक सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फुल सर्किट। ओके, सोर्स फुल और सोर्स फ्री में भी हमें आरसी सर्किट देखने होते हैं, आरएल सर्किट देखने होते हैं, आरएलसी सर्किट देखने होते हैं। सो बहुत सारे डीसी सर्किट्स का हमें ट्रांजिएंट एनालिसिस करना होता है। ठीक है, इस टॉपिक पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ये जो आपका टॉपिक है ट्रांजिएंट, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ गेट एंड आईएएस एग्जामिनेशन एंड फॉर बोथ ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स। आप हर साल अगर नेटवर्क थ्योरी को 100% मान के चलूं तो हर साल आप 25% क्वेश्चंस ट्रांजिएंट टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो नेटवर्क थ्योरी के टोटल क्वेश्चंस में से। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ट्रांजिएंट, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हमें डिटेल में एनालिसिस करना होगा इस टॉपिक का, जो हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस पे हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, कि किसी भी सर्किट में, किसी भी आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन कब क्रिएट होती है। इमेजिनरी पार्ट इंपेडेंस या एडमिटेंस फंक्शन में जब जीरो हो जाता है, ओके, तो रेजोनेंस की कंडीशन आपकी क्रिएट होती है। क्यों होती है, ये सारे एनालिसिस हमें करने हैं। जब रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट होती है किसी भी सर्किट में, तो आपका वोल्टेज एंड करंट का जो एम्पलीट्यूड रहता है वो मैक्सिमम हो जाता है। बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड आप अचीव करते हो सर्किट में वोल्टेज एंड करंट का, क्यों करते हो, ये सारी एनालिसिस हम लोग करने हैं। हमें ये पढ़ना है बेसिकली कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस के ग्राफ किस तरह से बनते हैं, क्योंकि रेजोनेंस जो एक टॉपिक है आपका वो और भी सब्जेक्ट्स में आपका काम आता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम में। जब आप कंट्रोल सिस्टम स्टडी करोगे, तो जब आप जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करोगे, तो आपका रेजोनेंस ग्राफ वहां में यूज होता है। तो रेजोनेंस जो कम्युनिकेशन में जब आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हो, तो वहां आपका रेजोनेंस ग्राफ यूज होता है। तो हमें रेजोनेंस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट को भी अफेक्ट करने वाला है हमारे लिए। तो रेजोनेंस भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है। गेट और ईएस दोनों में आप एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो रेजोनेंस से भी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कपल्ड सर्किट। कपल्ड सर्किट आपका क्या होता है, कपल सर्किट में होता क्या है बेसिकली, अगर सपोज करो आपकी दो कॉइल्स हैं, वो अगर वेरी नियर टू ईच अदर है, और अगर किसी एक कॉइल से आप करंट फ्लो कराते हो टाइम वेरिंग करंट, तो किस तरह से दूसरी कॉइल में उसका अफेक्ट होगा, ठीक है। ये हमें कपल सर्किट में देखना होता है कि एक कॉइल का अफेक्ट दूसरी कॉइल पे क्या होगा, किस तरह से दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है कपल सर्किट में। ओके, ये जो टॉपिक है आपका ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इनसे ज्यादा फैमिलियर भी होते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर का एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, अपने अदर सब्जेक्ट्स में। गेट और ईएस के एग्जामिनेशन में आप हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट है, बट आप हर 2 to 3 ईयर्स में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट रेगुलरली फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। ओके, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर हमें एनालिसिस करना है वो है आपका ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी की अगर बात करूं मैं, तो ग्राफ थ्योरी जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो आईईएस एंड पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। गेट के लिए ग्राफ थ्योरी सिलेबस से अब आपका हट चुका है, तो आईएस एंड पीएससी दोनों में ग्राफ थ्योरी इंपॉर्टेंट है। हर साल आप 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर बोथ द ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो ग्राफ थ्योरी में हमें पढ़ना क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ थ्योरी में हम क्या करते हैं कि आपका कोई भी जो नेटवर्क सर्किट है जो आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने एनालिसिस किया हुआ है, उनको आप ग्राफ में कन्वर्ट करते हो। ओके, उनका आप ग्राफिकल एनालिसिस करते हो, फिर आप ग्राफ थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स पढ़ते हो उन ग्राफ का एनालिसिस करने के लिए। ओके, लाइक इंसिडेंस मैट्रिक्स,
लाइक टाइसेट मैट्रिक्स, लाइक कटसेट मैट्रिक्स. सो ये सारी चीजें हमें मेनली ग्राफ थ्योरी में पढ़नी होती हैं. ओके, नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर आपका होता है नेटवर्क सिंथेसिस. ओके, नेटवर्क सिंथेसिस, ये जो आपका टॉपिक है ये भी आपका मेनली आईईएस एंड पीएसयूज के लिए इंपॉर्टेंट है. गेट में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है, गेट के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है. ओके, सो अगर मैं आईईएस एंड पीएसयूज की बात करूं और नेटवर्क सिंथेसिस की बात करूं तो हर साल आप इस टॉपिक से भी एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों एग्जामिनेशन में. ओके, फॉर बोथ द ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स. तो नेटवर्क सिंथेसिस में पढ़ना क्या होता है, नेटवर्क सिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है, सपोज करो आपको इंपेडेंस या एडमिटेंस फंक्शन दिए हुए हैं. ओके, सो इन फंक्शंस का यूज करके आपको सर्किट्स डिजाइन करने होते हैं, सर्किट्स बनाने होते हैं. इसके लिए बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं सर्किट के, लाइक फॉस्टर फॉर्म, लाइक कोर फॉर्म. तो इन सारे फॉर्म्स में हमें सर्किट क्रिएट करने होते हैं. यही टॉपिक होता है आपका नेटवर्क सिंथेसिस. ओके, सो ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं नेटवर्क थ्योरी में जो गेट आईएएस एंड पीएसयू एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं फॉर बोथ द ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल में पढ़ेंगे विथ लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, थैंक यू.